को लेके जो है दबो जा रहे थे। तो दिन 2 बजे करीब हम निकले थे। तो फिर ऐसे मंदिर के दर्शन किए हमने जो है पिछोर के पास, जो कालका मैया उनके और वो श्यावर वाली माता के, और ससगांव से हम जो है किरौल का जो कच्ची रास्ता जाती है किरौल के लिए, उस रास्ते से हम जा रहे थे सर। तो आगे से एक स्कॉर्पियो आई, वाइट कलर की थी, UP 92 नंबर था। तो उसमें उन लोगों ने मुझे हाथ दिया, तो मैंने अपनी बाइक साइड में खड़ी कर दी, और मैंने खड़ी कर पाई, वो लोग जल्दी से उतरे और उनने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे उनने बहुत मतलब डंडे अंडे दिए और पीटा, और जब वो गोली देने लगे, पिस्टल निकाल के उन्होंने मुझ में गोली देने की कोशिश की, तो दीदी बीच में आ गई। ये घटना आपकी है सर। पुरानी रंजिश है क्या उन लोगों से? हाँ सर, ऐसे पड़ोसी हैं तो रंजिश थोड़ी बहुत चलती रहती है, ऐसी गाली गलौज वगैरह ऐसी, बस और बकाया ऐसी कोई रंजिश नहीं है, ना उनने मुझ पर आज तक कोई केस किया, लेकिन उन्होंने ये घटना मेरे साथ घटाई है। नहीं, गोली चलाने के पीछे अगर गहरी रंजिश हो सकती है क्या? सर क्या मामला है ये गनशॉट का? ये अमित तिवारी अपनी बहन को लेके, ये दबो के रहने वाले, इनकी बहन रूबी पांडे बाय सतीश पांडे निवासी मूलतः सिकुलारी के यहाँ डबरा में रहते थे, तो बहन को लेके दबो जा रहा था। रास्ते में इन्होंने कहा कि चलो श्यावर माता के दर्शन करके रतनगढ़ माता से होते हुए निकल जाएंगे। तभी ये किरौल के आसपास जा रहे थे, सामने से स्कॉर्पियो आई, उसमें से 4 लोग, जगदीश उदैनिया, राजू उदैनिया, अमित और रवि गुप्ता, गार स्कॉर्पियो से उतरे और अमित की मारपीट की। जब पिस्टल निकाल के फायर किया तो इसकी बहन आ गई, इसके पैर में गोली लगी, ऐसा इन लोगों ने अभी बताया पूछताछ में। क्या कुछ मामला है इनकी पुरानी कोई रंजिश है? इन पूछताछ की तो अमित ने बताया कि हम पड़ोस में ही रहते हैं और हमारी कुछ पुरानी रंजिश चल रही है, मैं अकेला हूँ। अभी प्रारंभिक तौर पर इन्होंने ऐसे बताया, इनकी रिपोर्ट पर जो अनुसंधान में क्या बात निकल के आ। तो प्रथम दृष्टया कोई मामला दर्ज किया गया है अभी तक? हाँ, मामला दर्ज होगा और अभी तो जस्ट आते ही जा रहे हैं ये लोग। रास्ते में सूचना मिली थी, वैसे ही 108 से लेके वापस पुलिस यहाँ आई है, तत्काल मुझे सूचना मिली, मैं भी तत्काल हॉस्पिटल आ गया हूँ। यहाँ अभी इनसे पूछताछ की जा रही है।